फाइनली अगर आप भी बिहार बोर्ड से वार्षिक परीक्षा 2024 में 1 फरवरी की वार्षिक परीक्षा, जैसा कि आपको पता है जो बायोलॉजी की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली 1 फरवरी, यह वीडियो जब भी आप लोग देख रहे हो 1 फरवरी से पहले जब भी देख रहे हो, यह पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, एग्जाम में जाकर आपको एक एक क्वेश्चन यहां से लड़ने वाला है ना, आपको वही क्वेश्चन यहां पर इस वीडियो में मिलने वाला है जो आपके वार्षिक परीक्षा में एकदम सीधे हूबहू टकराएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए जो है आज का वीडियो जो आपका वायरल क्वेश्चन होने वाला है जो आपके वार्षिक परीक्षा में सीधे लड़ने वाला है। तो जो बच्चे वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी जिनका भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना परीक्षा में शामिल होने वाले, तो यह वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आंसर आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर भी लगाते चला। और हां, साथ ही साथ सभी बच्चे पहले ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा जितने नए स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का आपको पास नोटिफिकेशन मिले। और वार्षिक परीक्षा 2024 में अब की बार आपको 400+ जो है ना नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इस वीडियो से आपके एग्जाम में वो इस वीडियो में आपको वही सब क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्जाम में सीधे टकराने वाला है, जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ेगा क्वेश्चन। इसलिए सभी बच्चे ये पूरा वीडियो जितना भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो देखकर आप लोग सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचा के आना है। यहां पर आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरुआत करें, उससे पहले सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए और जितने नए स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अभी के अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आप लोग देख सकते हो आपके रूप में आपके वार्षिक परीक्षा में इस रूप में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको समय दिख जाएगा 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है, और 15 मिनट आपको जो अतिरिक्त समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपके एग्जाम में जो है ना जानना जरूरी है। और हाँ, एग्जाम में टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से मात्र और मात्र कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, 35 प्रश्न का ही जवाब देना, बाकी सारा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो चलिए शुरुआत करते हो सभी बच्चे, आंसर आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर भी लगाते जाइए, तब तो पता चलेगा आखिर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का तैयारी का लेवल क्या है और एग्जाम में कितना आप लोग सही कर पाओगे, है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन एकदम भर दीजिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छा क्वालिटी का जो है ना वीडियो दिखेगा। यहां पर देखो सबको बढ़िया से दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट, ठीक है। और सभी बच्चे एकदम दबा के आप लोग शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए सेक्शन ए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए, है ना, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न सा 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMRC, जब एग्जाम में बैठोगे है ना 1 फरवरी की परीक्षा में आपको OMRC दिया जाएगा, जैसे ABCD रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला का जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना, जैसे पहला का अगर मान लीजिए सी आंसर होगा तो यहां पर आपको सी इस तरह आपको भरना है। तो इस तरह आपको एग्जाम में क्या होगा, OMRC दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपका OMRC क्या हो गया, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन आपका क्या हो गया, OMRC है। तो आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आप लोग जवाब देते जरूर चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या नामांकित में से कौन आपका जो पार्थेनोकार्पिक जो है फल का उदाहरण कौन है। देखो पार्थेनोकार्पिक फल जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन होगा बताओ जरा जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, नामांकित में कौन आपका पार्थेनोकार्पिक जो फल जो है इसका उदाहरण कौन सा होगा। तो सही जवाब तो संतरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं अनार होगा, यह आपका केला होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एग्जाम में आपको याद ना ए से लेकर जे तक सेट रहने वाला सेट को आराम से सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन आया हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, पेरिपेट्स जो है किसके बीच की जो है संयोजक करी है, बताओ जरा पेरिपेट्स किसके बीच की जो है संयोजक करी है। तो आपको याद ना ये आपका जो है ना एनिलीडा था, है ना, ऑर्थोपोडा के बीच क्या होता है, इसके बीच की आपका संयोजक करी होती है। प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पहले ही बता दिया हूं एग्जाम में एकदम सीधे एनुअल एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन आया। और सभी बच्चे बहुत सारा बच्चा अभी भी जो बच्चे देख रहे हो है ना, आधा अधूरा बच्चा सब्सक्राइब किया और आधा बच्चा अभी भी नहीं किए, सबका नाम यहां पर दिख रहा है कौन बच्चे किए, सभी बच्चे अभी जल्दी जल्दी कर लो, है ना। और एग्जाम में बैठने से पहले याद रखना 1 फरवरी की जो आपको परीक्षा जो होने वाली है, एग्जाम से 1 घंटा 2 घंटा यह वीडियो जब भी देख रहे हो 2-3 बार देखकर यह वीडियो पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, क्या यहां पर है ना डार्विन जो है संबंधित है, डार्विन पूछा जाए किससे संबंधित है, तो यह आपको याद ना उत्परिवर्तन से भी संबंधित है, प्राकृतिक चयन भी होगा, अकार्बनिक विकास से भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। जितना क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों लड़ने वाला है। चलिए यहां पर 3 क्वेश्चन का आप लोग भी एकदम कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग लगाते जाइए और मचाते जाइए कमाल। देखिए क्वेश्चन में 4 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, आबिद बीजी में किस प्रकार का जो है भ्रूण पोष पाया जाता है, बताओ जरा आबिद बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है, बताओ जरा गुणित द्विगुणित त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही, बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो आबिद बीजी में आपका त्रिगुणित पाया जाता है, क्या पाया जाता है, त्रिगुणित पाया जाता है, ठीक
है, त्रिगुणित देखो कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। एक आज का वायरल क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को अंत तक देखना और एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम फटाफट आप लोग देते जाइए आंसर, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जाकर गर्दा मचाना है। क्वेश्चन पांच पूछा जा रहा है क्या, अंडोत्सर्जन के समय अंडाणुओं का जो झिल्ली जो होता है इसका आवरण जो है क्या कहलाता है, इसका आवरण पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। पहले बच्चों इसको आवरण कहलाता है आपका है ना कोरोना जो है रेडिएटा कहलाता है, कोरोना क्या होगा रेडिएटा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन को सभी बच्चे दो तीन बार देख लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। क्वेश्चन नंबर छह पूछा जा रहा है क्या, बिना निषेचन के लिए बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं, जल्दी से जल्दी करवा देते क्योंकि 70 क्वेश्चन आपको करना है। औसंग क्या होगा, जनन हो जाएगा। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बिना निषेचन के लिए बीज जो है क्या ना, बिना निषेचन के पूछा जा रहा है क्या है ना, बीज किस विधि से प्राप्त हो सकते हैं, याद औसंग जो है जनन विधि द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक युग्मक जो है मौजूद सभी जीवों है ना, सभी जीनों के जो अगुणित सेट को जो है ना, सेट जो है पूछा जाए इसको क्या कहा जाता है, बताओ जरा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीनोम कहा जाता है, क्या होगा जीनोम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को 10 बार देखो लेकिन सारा क्वेश्चन एग्जाम में बैठने से पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम वही क्वेश्चन लाया हो जो एग्जाम में सीधे छपेगा, है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका को जो है ना, नामांकित में से किस बीमारी का जो है रोगजनक है, कौन सी बीमारी का रोगजनक है। पहले बच्चों ये आपको याद ना, फिलेरियासिस हो जाएगा, क्या होगा फिलेरियासिस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, याद रखना फिलेरिया क्या होगा, एसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले बच्चों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बात हो रही क्या, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन नामांकित में किसके मद में पाया जाता है, बताओ जा डीएनए में जो हाइड्रोजन बंधन जो है नामांकित में से किसके मद में पाया जाता है, बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट, सबको दिख रहा है ना बढ़िया से, तो याद रखना ये आपका पूरक का ना चारों के मद हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में बैठो उससे पहले यह वीडियो 10 बार देखो लेकिन सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका ए से जे तक सेट कवर रहेगा और कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन लड़ने वाला है यह वीडियो है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार के साथ शेयर करना है और जितने नए स्टूडेंट देख रहे हो सभी बच्चे मां सरस्वती का ना एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती जरूर सभी बच्चे कमेंट करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट, सबका मां सरस्वती का आशीर्वाद बने रहे और सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, ठीक है। चलिए 10 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बात हो रही क्या है ना, धसे जो आपका रंध्र जो है किस तरह के जो है पौधे में पाए जाते हैं, देखो धसे जो रंध्र जो होता है ना, ये पूछा जाए किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका मरुद भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले बच्चों 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर ध्यान से देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है, अस्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में किस ग्रंथि का रूपांतरण है, अस्तन ग्रंथि पूछा जाए किस ग्रंथि का रूपांतरण है। पहले बच्चों तो याद देना आपका श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एकदम आराम से आप लोग बने रहिए, दबा के आप लोग शेयर भी करते रहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिकी अभियांत्रिकियों में कौन सा जो एक अच्छा जो है संवाहक कौन होगा, सबसे देखो अच्छा संवाहक की बात करें चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये आपका होगा एग्रोबैक्टीरियम जो है ना ट्यूमेफिसेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहां पर है ना विशेष स्थलों का है ना विशेष स्थलों पर जो डीएनए को जो है काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, देखो है ना विशेष स्थलों पर जो डीएनए को जो काटने वाला जो एंजाइम जो होता है इसको पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिबंधन एवं क्या होगा न्यूक्लियोजेस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से जल्दी करवा देता हूं ताकि एग्जाम है ना एग्जाम से पहले या 4 बार 5 बार देख के सारा क्वेश्चन याद करना है। पादप पलबक जो है ना क्या कहलाते हैं ना, 1 फरवरी जो बायोलॉजी की एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर है, आराम से पढ़िए और ईमानदारी से याद कर लीजिए सभी बच्चे है ना। पादप पलबक जो है क्या कहलाते हैं, पादप पलबक आपका स्वपोषक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वपोषक। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न क्या है ना, चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी जो है क्या कहलाते हैं, देखो चराई खाद्य श्रृंखला जो है इसमें मांसाहारी पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, यह आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, सेकेंडरी क्या होगा आपका कंज्यूमर्स हो जाएगा। पहले बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सभी बच्चे बहुत बढ़िया, आप लोग जो बच्चा बाद में देख रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन भर दीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बात हो रही मानव जो आपका भ्रूण में अंग है ना तथा अंग या अंगुल जो होता है कितने सप्ताह के बाद विकसित होता है, याद है ना यह अगर पूछा जाए तो आपको याद है 8 सप्ताह, याद है एग्जाम में लड़ने वाला सभी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या,
क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सप्ताह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17 है, शुक्राणु नलिकाओं से है ना, शुक्राणु की जो रिहाई क्या कहलाती है? बताओ जरा, शुक्राणु जो है, शुक्राणु नलिकाओं से अगर शुक्राणु की रिहाई जो है पूछा जाए क्या कहलाती है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, यह आपका शुक्राणु रूपांतरण कहलाती है। प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, कोलेचिसिन पूछा जाए नामांकन में किससे जो हस्तक्षेप करता है? बताओ जरा किससे हस्तक्षेप करेगा? ये डीएनए प्रतिकरण हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेशन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 19वां प्रश्न है वाई गुणसूत्र जो है कैसा होता है? वाई गुणसूत्र जो है ये आपका एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक कहां पर दिख रहा है? यहां देखो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, हमें देखो यहां पर है ना कैमरा भी देखना पड़ रहा है कि हां सही से कैप्चर कर रहा है कि नहीं, उसके बाद इधर है ना दो तीन नजर इधर उधर रखना पड़ रहा है, तब आज का थोड़ा सा कठिन हो रहा है ना। लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो सभी बच्चे एकदम, हम चाहते हैं मेरे जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखें सबका सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। सभी विषय का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम दे देंगे और व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिसके माध्यम से आप लोग ग्रुप से जुड़ पाओगे। चलिए 20 नंबर का आंसर दीजिए, पत्थर चट्टा जो है ना, पत्थर जो है, पत्थर चट्टा पूछा जा रहा है किसके द्वारा जो है कायिक प्रबंधन करता है? बताओ जो है पत्थर चट्टा की बात हो रही है ना, किसके द्वारा कायिक प्रबंधन जो है करता है? प्यारे बच्चों 20 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखो पत्तियों के द्वारा होता है पत्थर चट्टा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा है ना, सबको दिख रहा है ना बढ़िया से। चलो 21 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा है ना, मृदु जलीय स्पंज की जो आंतरिक मुकुलन को जो है क्या कहा जाता है? आंतरिक मुकुलन को कहा जाता है जेम्बा कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 22वां प्रश्न क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी है ना, नाम सुने हो ना, अयोध्या का नाम सुने हो ना, हाँ है ना, याद है दुधवा राष्ट्रीय कहाँ है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों है ना, 22 का ऑप्शन ये होगा, ठीक है। चलिए 23 प्रश्न है, लुप्त प्राय पौधों की जो प्रजातियों का जो है संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? बताओ जो किसके माध्यम से किया जाता है? बीज बैंक के द्वारा जो है किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है, बीज बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 24वां प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां पर देखो जीवाणु जो है, जीवाणु प्लाज्म जो है पूछा जा रहा है क्या होता है? बताओ जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका डीएनए होता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बीटी कपास जो है किस विधि द्वारा है ना, किस विधि द्वारा होता है? बीटी कपास जो निर्मित होता है ना, बीटी जीन की जो है सदन ब्लोटिंग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 26वां प्रश्न देखो है ना, 25 का सी, अगला क्वेश्चन देखो 26 क्या प्लाज्मिन पूछा जा रहा है ना, क्या है बताओ जरा है ना, 26 का क्या होगा? ये देखो आपका है ना ECUR भी होता है ना, हिंदी ट्रिपल भी होता है ना, PVR 332 भी होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, किस काल में जो है डायनासोर जो है प्रमुख जीव थे है ना, कौन से काल में होगा? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 27 का सही जवाब होगा आपका है ना, जुरासिक काल होगा, जुरासिक हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। इंग्लिश में देखो, अगर मान लो हिंदी वाला एग्जाम में अगर ऑप्शन गलत देगा तो इंग्लिश वाला देख लेना आप लोग, ठीक है, जुरासिक याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, किसी जीव के विकास है ना, किसी जीव के जो है ना विकासवादी इतिहास को जो है किस नाम से जाना जाता है? बताओ जरा, विकासवादी इतिहास को पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है? 28 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा? तो याद है ना, फिलोजेनी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 29वां प्रश्न क्या है ना, बत्तख फिल आपका जो है ना प्लेटपस जो है किसके बीच की जो है संयोजक कड़ी है? बताओ जो ये पूछा जाए किसके बीच जो है संयोजक कड़ी होगा, ये आपका देखो है ना सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच होती है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 30वां क्वेश्चन देखिए, युग्म विकल्पी पूछा जा रहा है क्या है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका होता है जीन का ही रूप होता है, ठीक है, जीन का रूप होता है युग्म विकल्पी, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 31वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एबीओ रक्त जो समूह प्रणाली जो है किसके कारण होता है? बताओ जो किसके कारण होता है, तो बहुविकल्पता के कारण होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी बच्चे अंत तक आप लोग बने रहिए, एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचाना, 1 फरवरी की परीक्षा के लिए एकदम असली क्वेश्चन है। आप लोग सभी बच्चे दबा के शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, एग्जाम देने के बाद फिर आप लोग जो है ना एकदम और सभी विषय का क्वेश्चन अपलोड होगा, जब आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए 32वां प्रश्न का आंसर दीजिए, कॉपर टी या LNG जो है ना 20 तथा कॉपर 7 जो है नामांकन में किसका उदाहरण है? बताओ जरा, यह जो उदाहरण पूछा जा रहा है किसका है? याद रखना, यह उदाहरण आपका होता है अंतः जो है गर्भाशय युक्ति हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन छपेगा है ना। 33 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही है ना,
सरोगेट जो है पूछा जा रहा है क्या मदर के, है ना, फेलोपियन ट्यूब में जो है डोनर डिम का जो स्थानांतरण क्या कहलाता है, डोनर डिम का स्थानांतरण कहलाता है आपका गिफ्ट हो जाए, जीआईएफटी होगा तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्यूरिन में कितने चक्र होते हैं, याद है इसका गिफ्ट सही है, है ना, 34 का आंसर लगाओ, फ्यूरिन पूछा जा रहा है क्या, इसमें पूछा जाए कितने चक्र होते हैं, 34 का आंसर लगाओ, इसमें चक्र की अगर बात किया जाए दो चक्र होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 35 पूछा जा रहा है क्या, है ना, अनुवादन की क्रिया, अनुवादन की क्रिया जो है, है ना, नामांकित में किस जगह होती है, बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, क्वेश्चन 35 अनुवादन की क्रिया आपका केंद्रक में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, सबको दिख रहा है, आप लोग एक बार कमेंट भी कर देना है, और मां सरस्वती एक बार जय मां सरस्वती आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे का आना चाहिए। चलिए 36 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 में प्रश्न देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, है ना, यहां पर देखो बात हो रही क्या, यूकेरियोट्स में डीएनए पैकिंग, है ना, पैकिंग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, बताओ जरा इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, 36 का सही जवाब होगा गुणसूत्र के द्वारा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 37 देखिए, 37 में प्रश्न क्या है, डीएनए में जो है नाइट्रोजनी क्षार जो है, है ना, क्षार एक साथ जो है किस बंधन से जुड़े होते हैं, एक साथ आपको याद रखना है ना, ग्लाइकोसिस, है ना, क्या होगा ग्लाइकोसिडिक, है ना, ग्लाइकोसिडिक क्या होगा बोन्स हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद है डीएनए में जो है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एक साथ जो है ना पूछा जाए किस बंधन से जुड़े होते हैं, याद है ग्लाइकोसिडिक जो है बंधन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 38 देखिए, 38 में प्रश्न क्या है, टीवी जो है ना, टीवी जो होता है इसका रोग जनक कौन होता है, टीवी का बताओ, तो 38 का टीवी का क्या होगा, 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद है माइको जो है बैक्टीरियम हो जाएगा, क्या होगा माइको बैक्टीरियम हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। 39 में प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, जितना है सभी क्वेश्चन एकदम याद रखना है, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, प्रतिरक्षा प्रणाली की जो है, है ना, बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन जो है किसमें होता है, बताओ जरा इसका उत्पादन होता है आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40वें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, अफीम आपका होता है ना पेवेवर जो है ना फेरम हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, है ना। जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए 41 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम वाले वाले क्वेश्चन भी आप लोग आराम से, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन देता है ना। बात हो रही क्या, इलेसा का प्रयोग जो है नामांकित में किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, बताओ जरा, है ना, तीसरा याद रखना आपका एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शोर प्रदूषक जो है ना, शोर जो आपका प्रदूषण जो है किस में मापा जाता है, तो शोर प्रदूषण मापा जाता है आपका डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी। देखो पहले आपका जो है 42 क्वेश्चन ही पूछा जाता था बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आपका जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 70 क्वेश्चन अब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, है ना, याद है शोर प्रदूषण किसमें मापा जाता है, डेसिबल एग्जाम में लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो 43, है ना, 43 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मुख्य वायु प्रदूषक जो है ना ओजोन जो है अपक्षय करता है, निम्न में से कौन है, ओजोन अपक्षय जो करता है वो आपका क्या था, सीएफसी हो जाएगा, सीएफसी यानी 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीएफसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 44 प्रश्न का आंसर दीजिए, है ना, बात हो रही क्या, फोमपेट जो है क्या है, फोमपेट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समुद्री मछली हो जाएगा, क्या हुआ समुद्री मछली, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 44 का सी जितने दिए सबका सही है, है ना। 45 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 45वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, रानीखेत निम्न से जो है ना किसकी बीमारी है, चलिए 45 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, रानीखेत निम्न से पूछा जा रहा है किसकी बीमारी है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी, है ना। रानीखेत पूछा जा रहा है निम्न से जो है किसकी बीमारी है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, 45 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मुर्गी हो जाएगा, ठीक है, है ना। पूछा जा रहा है क्या किसकी बीमारी है, मुर्गी का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, मुर्गी की ही तो बीमारी है ना। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, है ना, 46 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, दूध की उपज मात्रा बढ़ाने के लिए जो गाय को जो है क्या दिया जाता है, देखो गाय को दिया जाता है आपका, है ना, बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, है ना, देखो प्रोलैक्टिन दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें, 47 में प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, है ना, यहां पर बात हो रही क्या, हिम परीक्षण जो है किसके लिए, है ना, उपयोगी होता है, हिम परीक्षण की बात हो रही है, ये आपका होता है जीवित कोशिकाओं के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवित कोशिकाओं के लिए ही जो है ना हिम परीक्षण के उपयोगी होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 48वां प्रश्न क्या है, है ना, इनमें से जो किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है, जल माध्यम देखो किस में आवश्यक होता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, पूछा जा रहा है क्या, 48वां प्रश्न है, इनमें से किस में जो है निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है, तो याद है ना ब्रायोफाइट्स में जो है आपका जल माध्यम क्या होता है, आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी यहां पर क्वेश्चन देख लो, है ना, दिख गया सबको, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या 49वें प्रश्न के, 49वें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हीमोफोलिया की बात हो रही है ना। यहां पर देखो प्रश्न समझिए क्या पूछा जा रहा है, हीमोफोलिया के संबंध में निम्न में से कौन जो है सबसे भिन्न है। देखिए सबसे भिन्न कौन होगा, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 50वें प्रश्न क्या है, मिनीमाटा बीमारी किस कारण होता है, मिनीमाटा बीमारी किस कारण होता है, मर्करी, H2S नहीं होगा यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रश्न क्या है, ध्यान समझो, प्रश्न पूछा जाए मिनीमाटा बीमारी किस कारण होती है, मर्करी के कारण होती है, ना H2S जो बच्चे इधर वो नहीं होगा, ना ही लीड होगा, ना ही SO2 होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, मरकरी, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 51वें प्रश्न का आंसर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पूछा जा रहा है, ना वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को जो है कौन सा प्रभाव कहा जाता है, बताओ जरा इसको कौन सा प्रभाव कहा जाता है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसको हरित घर प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। क्वेश्चन 52 का आंसर दीजिए, सबसे खराब जल का धारण क्षमता का ना, सबसे खराब जल धारण जो है क्षमता वाली कौन सी जो है मिट्टी है, बताओ जरा कौन सी मिट्टी होगी, याद रखना बलुआही मिट्टी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 53वां प्रश्न क्या है, अन्य पौधों की जो है छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, देखो अब बताओ अन्य जो है अन्य पौधों की छाया में, बताओ जरा अन्य पौधों की छाया में उगने वाले जो पौधा जो होता है या पौधों को क्या कहा जाता है, बताओ जो है 53 को, उसको कहा जाता है छाया प्रिय जो है पादप कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा। चलिए 54वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, आपको याद ना होल्स्टीन जो है आपका ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन किस में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए अमीबा और है ना अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। अभी तक देखो लगभग 80% बच्चे ने तो सब्सक्राइब कर लिया, 20% अभी भी ऐसे स्टूडेंट है जो बच्चा बाद में देख रहे हैं वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से, मां सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिए एकदम, हम चाहते हैं मेरा जितना स्टूडेंट इस वीडियो को देखे सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती जरूर लिखना है, सबको एक कमेंट जरूर करना है प्यारे बच्चों, जितने स्टूडेंट है ना थोड़ा सा समय निकाल के एक बार मां सरस्वती का नाम जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए 56 का आंसर लगाओ, XXXO जो टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होगा, बताओ जरा है ना, क्वेश्चन में 56 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो, ये आपका क्या होता है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 57वां प्रश्न क्या है, द्वितीयक प्रदूषक कौन होगा, द्वितीयक प्रदूषक आपका PAN हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा है ना PAN ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 58वां प्रश्न क्या है, ताइचुंग 1 जो किसकी किस्म है, ताइचुंग 1 पूछा जा रहा है किसकी किस्म होता है, धान का होता है किस्म, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, गैमेट्स के युग्मन को कहते सिनगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं सिनगैमी कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों है ना, यहां पर सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 60वां प्रश्न देखिए, 60वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है शब्द का प्रयोग किया था टेंसले जी ने, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61वां प्रश्न का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, अलैंगिक जो है जनन है ना, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को जो है उत्तक संबंधन जो है कौन सी विधि से बनाया जाता है, बताओ जरा सूक्ष्म प्रजनन विधि हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में भी आंसर लगाते जाइए है ना, जो बच्चा बाद में देख रहे हो, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, बताओ जरा बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जलकुंभी, आप लोग देखते होंगे पानी के अंदर इस तरह पौधा जो रहता है पूरा पानी को ही ढक लेता है ना, तो उसी को जलकुंभी कहते हैं, तो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही जवाब। बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 63 क्या पूछा जा रहा है ना, 63वां प्रश्न क्या है, हॉलेडिक जीन जो है उपस्थित होते हैं, हॉलेडिक जीन किसमें उपस्थित होते हैं, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा है ना, वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम यानी ऑप्शन बी होगा है ना। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण क्या होगा, अम्ल वर्षा जो है इसका कारण होता है SO2 SO3 होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 65 है क्या, कृत्रिम वृक्षेपण का उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता,
मछली में नहीं किया जा सकता है, बाकी घोड़े हो गया, ऊंट हो, बकरी इस समय किया जा सकता है लेकिन मछली में नहीं, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 67वां प्रश्न क्या है, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था क्या होती है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होते हैं स्पाइरोजोइट्स हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, स्पाइरोजोइट्स होगा। चलिए 67 के बाद जो है प्यारे बच्चों है ना बस अब खत्म होने वाला, सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा है ना, आप लोग सभी बच्चे का सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आपको सब्जेक्टिव का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर नहीं रखोगे फिर आप लोग ढूंढते रह जाओगे फिर वीडियो नहीं मिलेगा, पहले ही बता दिया हूं है ना, यूट्यूब एक समंदर है जहां पर आपको जो है ना अगर ढूंढ, जो बच्चा यह वीडियो जिनको मिल गया तो उनके लिए रामबाण हो गया, जिनको नहीं मिला आप लोग शेयर करके अपने दोस्त यार तक पहुंचा दीजिएगा, और सभी बच्चे अभी मौका है कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको है ना नोटिफिकेशन अगर आपको सब्जेक्टिव का नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग हमें पता है 35 जो है ना आप तो ऑब्जेक्टिव आराम से करेक्ट कर पाओगे है ना, लेकिन सब्जेक्टिव का भी आप लोग चाहोगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो लाइव या हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए 67वां प्रश्न क्या है, डायबिटीज का कारण क्या होगा, डायबिटीज का कारण क्या होता है, हार्मोन की कमी होता है, ठीक है, हार्मोन की कमी हो जाएगा पहले बच्चों, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा जो है ना मतलब आगे पीछे हो गया था इसलिए जो है ना थोड़ा सा कटकुट करना पड़ गया, फिर से वीडियो रुक गया था ना तो इसलिए देख रहे हो कटकुट है, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे है ना, 35 आप लोग ऑब्जेक्टिव में तो सही कर ही लोगे है ना, अब जो है इसके बाद जब सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डायबिटीज का क्या कारण क्या होता है, हार्मोन की कमी होती है, तो आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है डी हो जाएगा, याद ना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 68वां प्रश्न क्या है ना, डायरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है, दूध भी रहता है ना, मक्खन भी होगा, पनीर होगा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब के सब होगा, एक ऑप्शन नहीं चूज करना है, ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ा है ना। 69वां प्रश्न क्या है, टी सेल्स जो उत्तरदायी है, टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है, 69 का आंसर लगाओ, यहां देखो एंटीबॉडी हार्मोन हेतु ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, डायरेक्ट यहां से गड़बड़ हो गया है ना, अब देखो ये हार्मोन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका होता सेल्स है ना, सेल्स मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु हो जाएगा, तो राइट आंसर एकदम सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल्स क्या होगा मेडिएटेड क्या होगा प्रतिक्रिया हेतु, तो 69 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए 70वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बीच में क्या हो गया है ना ऑटोमेटिक जो है ना कैमरा ऑफ हो गया, वीडियो बंद हो गया था, ठीक है इसलिए हमको फिर से है ना रिपीट करना पड़ा 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 70 का आंसर दीजिए, डायबिटीज रोग जो है रोगी के मूत्र में क्या रहता है, जिसको देखो डायबिटीज का बीमारी हुआ रहता है ना उसके पूछा जाए उसके मूत्र में क्या रहता है, उसमें के मूत्र में शर्करा रहता है, क्या रहता है शर्करा रहता है ना शर्करा, ठीक है शर्करा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको हमने 70 के 70 क्वेश्चन का है ना 70 में 70 क्वेश्चन का पूरा हमने सॉल्यूशन करवा दिया, आप लोग कितना सही किए हो एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, और हाँ अभी सभी स्टूडेंट को क्या करना है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप इसका आज के सेशन का PDF सबको ले लेना है, और सब्जेक्टिव इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो है ना सब्जेक्टिव का ही आएगा, ठीक है सब्जेक्टिव का वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो सभी बच्चे अभी कभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करके आज के सेशन का PDF आप लोग ले लीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करना 97-98-030-243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसको एजुकेशन गैलेक्सी नाम से आपको सेव करके और इस नंबर पे हाय या हेलो मैसेज करोगे आपके पास एक लिंक आएगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और हां लिंक तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पे, तभी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ सकता है गेस्ट प्रश्न सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको गेस क्वेश्चन वही दिया जाएगा जो एग्जाम में सीधे टकराए है ना, इसलिए इस नंबर पे 97-98-030-243 पे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तब आपके पास हम आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे जिसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, और एक बार कमेंट सेक्शन में जय माँ सरस्वती आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, और कितना आप लोग एकदम करेक्ट किया ये भी बताना, और सभी बच्चे इस नंबर पे 97-98-030-243 पे आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ध्यान रखना है, तभी आपको आज के सेशन का PDF भी मिल जाएगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।